वंदे भारत से यात्रा करने की चाहत रखने वाले ध्यान दें, जल्द ही भारतीय रेल बिहार वासियों को नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात देने जा रही है। इसको लेकर रेलवे लगातार तैयारियां कर रहा है। यह ट्रेनें गया से हावड़ा, पटना से टाटा और बनारस देवघर के बीच चलेंगी। आगामी 15 सितंबर को इन ट्रेनों का शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री ऑनलाइन इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल से हावड़ा गया वंदे भारत का संचालन आसनसोल धनबाद कोडरमा रूट से होगा। इसी तरह पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल में नई टाटानगर और पटना के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस मूरी बोकारा गया रूट से होगी। वहीं वाराणसी देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया नवादा के रास्ते चलाई जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि इन नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत से यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ तेज गति से आगमन का लाभ मिलेगा। 15 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर देवघर से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत का स्वागत किया जाएगा। साथ ही यहां से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को वाराणसी के लिए रवाना किया जाएगा। इसी तरह गया से वंदे भारत को हावड़ा के लिए रवाना किया जाएगा। वाराणसी देवघर वंदे भारत के संचालन के साथ PDDU जंक्शन से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा शुरू हो जाएगी। इस समय पटना गोमती नगर और रांची वाराणसी वंदे भारत PDDU जंक्शन से होकर चल रही है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला बिहार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।